दोस्तों ये बबूल के पेड़ का बोर्ड लगा हुआ है, ये जो पेड़ देख रहे हैं ना दोस्तों, इस पार्क का ये रोड इतनी लंबी है, पता नहीं इसका एंड कहाँ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज एक और फ्रेश और कमाल के एपिसोड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरे पीछे ये जंगल देख रहे होंगे दोस्तों, ये ओखला बर्ड सेंचुरी है जो नोएडा के अंदर है। इस यहाँ तक आने के लिए दोस्तों सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ जाएगा, जो ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन ही पड़ेगा, उसी के नाम पे ये पार्क भी है। तो चलते हैं इस पार्क के अंदर और दिखाते हैं इस पार्क का नज़ारा। तो इस तरह का जंगल दिख जाएगा, देख सकते हैं। अभी मैं काफ़ी लेट से आया हूं दोस्तों, तो सभी आवाज़ लगा रहे हैं जो बंद हो गया बंद हो गया। फिर भी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है इस जंगल में। ओखला बर्ड सेंचुरी, काफ़ी बड़ा झील है यहां पे, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा झील है जो सूख चुका है यहाँ पे भी। काफ़ी घना जंगल है यार यहाँ पे, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये पार्क काफ़ी लंबी पार्क है, ये रास्ता इधर जाने के लिए। अभी चलते हैं इधर और आगे का नज़ारा दिखाते हैं। अभी तो काफ़ी लेट से आप पहुँचे यहाँ और ये पार्क बंद हो चुका है, तो इस पार्क का पूरी जानकारी देंगे लास्ट में, पहले पूरा घूम लेते हैं। काफ़ी मस्त पार्क है और जल्दी आना चाहिए यहाँ पे, तो देखने में और मज़ा आता है, इस पार्क के अंदर घूमने में और मज़ा आता। यहाँ काफ़ी घनी जंगल देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है जो डर होता है। आपको सेफ्टी के लिए जूता में ही आए, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का यहाँ रास्ता दिया गया है, सेफ्टी के लिए जूता में ही आए। यहाँ पे देखे दोस्तों, अंजीर का पेड़ है ये, इस पार्क के अंदर अंजीर का भी पेड़ देखने को मिल सकता है। इतना घना जंगल है और जल्दी आते दोस्तों सही होता। इस तरह से दोस्तों ये गेट बना हुआ है, कोतवाल, इस पक्षी का नाम कोतवाल है दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों इस पार्क के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कपल्स मिल जाएंगे देखने के लिए। इधर ये झील है, काफ़ी बड़ी झील है, इधर काफ़ी पूरी सूखी पड़ी है अभी झील। दोस्तों देख सकते हैं कितना घना जंगल है यहाँ पे। दोस्तों इधर देख सकते हैं कितनी लंबी सड़क है, पता नहीं ये कितनी दूर तक है ये सड़क जाती है। मैं पूरा कवर नहीं कर सकता क्योंकि टाइम कम है, देखता हूँ मैं कब कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। दोस्तों इधर मैं वहीं तक जाऊँगा और लास्ट टाइम है ये बिल्कुल भी, और मैं नहीं चाहता हूँ जो देर हो जाए यहाँ और मुझे निकलने में बाद में दिक्कत हो, तो जल्दी जल्दी आगे चलते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों इधर भी काफ़ी घनी जंगल है और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये काफ़ी सुंदरता अगर इसकी बढ़ाता है तो पीछे इस तरफ झील है, अगर पानी होता तो फिर यहाँ का नज़ारा देखने में काफ़ी मज़ा आता। ओखला बर्ड सेंचुरी, जैसा कि बर्ड के नाम पर, चिड़िया के नाम पर इस जगह का नाम दिया गया है, जो यहाँ पे बारिश के टाइम में जब पानी आएगा ना दोस्तों, उस टाइम में हर तरह के पक्षी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इसलिए इस जगह का नाम बर्ड सेंचुरी इधर डाल दिया गया है। चिड़िया यहाँ पे, हर तरह का चिड़िया, हर तरह के पक्षी देखने को मिलेगा, देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ी झील है मेरे पीछे,
ये काफ़ी बड़ी झील है ये, और आगे तक जाती है। इसमें अगर पानी आ जाए दोस्तों तो सोच सकते हो कितनी खूबसूरती बढ़ा देगा इस ओखला बर्ड सेंचुरी के अंदर। इतनी चौड़ी सड़क है और देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का नज़ारा है इस जंगल का। दोस्तों ये बबूल के पेड़ का बोर्ड लगा हुआ है, ये जो पेड़ देख रहे हैं ना ये बबूल का पेड़ है। ये देखें इस तरह का होता है बबूल का पेड़। पक्षी भी हार ना आग ना लगाए। ड्रैगन फ्लाई इन सब कैटेगरी में देखने को मिल सकता है जंगल के अंदर। ऐसे ड्रैगन फ्लाई तो बिहार में भी कहीं पे भी दिख जाएगा। ड्रैगन फ्लाई तितली काफ़ी लंबी है दोस्तों ये रोड, और मुझे नहीं लग रहा है जो मैं किनारे तक जा पाऊँगा। फिर कभी आएंगे और इसका पूरा व्यू ले लेंगे। दोस्तों इस पार्क का ये रोड इतनी लंबी है, पता नहीं इसका एंड कहाँ होगा, और टाइम काफ़ी ओवर हो चुका है तो मैं पूरा एंड तक तो नहीं जा पाऊँगा। अब मैं जब चलता हूँ बाहर की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये कौन सा जानवर है? तेरी की सारा मूड ख़राब हो गया यार यहाँ आकर के। कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है, ये टाइम ही नहीं है बर्ड सेंचुरी घूमने का। जब बिहार में बाढ़ का टाइम आता है ना दोस्तों, जैसे पानी वानी हर जगह भरा हुआ होता है तालाब वाला, उस टाइम में यहाँ आने का फ़ायदा है। उस टाइम में घूमने का यहाँ पे अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे झील में पानी, हर तरह के पक्षी, हर तरह के चिड़िया, हर चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इस टाइम में गर्मी के मौसम में, सूखे के मौसम में यहाँ पे आना, या सर्दी स्टार्ट हो रहा हो इस टाइम में भी यहाँ पे आना बेकार है। यहाँ पे मत आए, इस टाइम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बस ऐसे ही घना घना जंगल देखने को मिलेगा। और इसमें कपल अपना टाइम बिताने के लिए, उस कपल के लिए तो हमेशा कोई भी मौसम हो वो ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी। ओखला बर्ड सेंचुरी की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि हर वीडियो की नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओखला बर्ड सेंचुरी आने के लिए आपको यही मेट्रो पड़ेगा, ओखला बर्ड सेंचुरी का। अभी मैं मेट्रो के फ्लाईओवर पे हूँ और मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो पे, एक नई टॉपिक पे।